फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको पता चल गया है कि आपकी नाभि किसकी हुई है, तो बिना मसाज के है जो किस तरीके से आप धरण को है जो ठीक करवा सकते हो, और इसमें आपको है जो किसी तरीके का नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो क्या करना है कि घर में किसी से भी है जो आप इस तरीके से ठीक करवा सकते हो। आपको ये पता है कि आपकी नाभि किस गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कौन सी साइड से है जो नाभि किसकी है, ऊपर किसकी है, नीचे किसकी है, या साइड में आपकी नाभि किसकी है। तो आपको बस एक ही तरीका है जो काम में लेना है। तो चलो दिखाते हैं कौन सा तरीका। तो सबसे पहले है जो जो भी बंदा आपकी नाभि ठीक कर रहा है, उसको बोलना है कि आपकी नाभि के सेंटर में है जो इस तरीके से है जो पैर को रखे। तो इस तरीके से पैर को है जो एकदम सीधा करके है जो आपको रखना है, और एक हाथ से है जो इस तरीके से पकड़ भी सकते हो, वरना है जो आप इस तरीके से भी रख सकते हो। और पैर को है जो ढीला छोड़ देना, जिससे क्या होगा कि हल्का दबाव है जो नाभि के सेंटर पॉइंट पे पड़ेगा, और जिस कारण से आपकी नाभि जहाँ कहीं बाहर की साइड खिसक गई है, वो बिल्कुल इस हल्के से खिंचाव के कारण क्या होगी कि सेंटर पॉइंट में आ जाएगी। तो आपको 5 या 7 मिनट तक है जो इस तरीके से पैर को रखना है। तो जब 5 या 7 मिनट हो जाए, तो इस तरीके से आपको पैर को हटा लेना है, और उसके बाद आप चेक कर सकते हो कि आपकी नाभि है जो सेंटर पॉइंट में आई है या नहीं आई है। आप 1-2 बार है जो सुबह खाली पेट इस तरीके से ट्राई करोगे, तो 100% आपकी नाभि है जो सेंटर पॉइंट में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो, फर्स्ट बार आया तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।